ओके सुमित सर, मेरा सवाल आपसे है, जैसे भी अरबाज ने कहा शो जो जितना भी हमने देखा है बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या इसके बाद टॉपिक बदलेगा? अगर लोग पसंद करते हैं और दूसरा शो आता है, नेक्स्ट एपिसोड आता है, दूसरी सीरीज आती है, नेक्स्ट सीजन आता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कास्टिंग काउच? कास्टिंग काउच इज वन ऑफ द थिंग विच हैपन इन बॉलीवुड, क्योंकि हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, क्या इस तरह के पहलू को लेकर कोई डिस्कशन होगा? पिंच एनीथिंग, वी कैन टॉक अबाउट एनी टॉपिक, देयर इज नथिंग कि ओ ये टैबू टॉपिक है. इनफैक्ट टैबू टॉपिक्स के ऊपर ही बात हो रही है कुछ हद तक. ऐसा नहीं है, नॉर्मल बात नहीं हो रही कि आप कौन सी फिल्म कर रहे हो, अच्छा रिलीज डेट कब है उसकी, वो नहीं हो रहा है इधर. ठीक है ना, कि आपका लॉन्च पार्टी कब है, सर मेरे को जरूर बुलाना उसके अंदर, आई वॉन्ट टू कम. हाँ, और क्या रखते पीने के लिए, क्या है, मैं वॉडका पीता हूँ, प्लीज. हाँ प्लीज, ठीक है, वो नहीं है. तो दिस इज ऑल्सो आस्किंग दोज थिंग्स ओनली, यू नो दैट्स अरबाज, दैट्स व्हाट आई वांटेड हिम ऑन द शो. ओके काटकर साहब, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए अगर नेक्स्ट सीजन आता है तो? क्या भैया ये जोने तो यार कौन है ये, मेरे को इसकी शक्ल दिखाओ ये आदमी जो. सर जी ये पहला सीजन अभी तक एक शुरू भी नहीं हुआ, इसका क्या रिएक्शन आएगा, कैसे पसंद करेंगे, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतना आगे सोचने का नहीं. नेक्स्ट सीजन का नेक्स्ट देखेंगे. दिख रहा है और बहुत अच्छा शो है. दबंग 3 नहीं बनाई है, दबंग 4 के बारे में अगर आप मेरे से पूछोगे तो कैसे चलेगा? इट इज गिविंग अस दैट वाइब्स. देयर विल बी अ सेकंड सीजन. थैंक यू सर जी, क्या बात. देयर इज अ रीजन आई एम आस्किंग दिस. काटकर साहब, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट. सो व्हाट वाज योर क्वेश्चन? अब मेरा सवाल ही भूल गए सर. अभी तक सब सही चल रहा है, अभी कुछ गलत कमेंट आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस खराब हो जाएगा, इसको भी खत्म करते हैं. कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ एक सवाल पूछोगे आप मेरे से और फिर ये सब खत्म हो जाएगा और वो सवाल के ऊपर पूरा गेम चलेगा. अच्छा पिक्चर अभी बाकी है. अरे थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू. अरबाज भाई यहाँ पे, अरबाज भाई यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. हाँ जी, सो अच्छा आपने आज कुछ ट्वीट किया ना. हाँ हाँ, अरे थैंक यू वेरी मच. सो मेरा सवाल आपसे ये कि आपने दुनिया के मतलब इस देश के दो होस्ट को अपना गेस्ट बनाया, मतलब कपिल एंड करण. ये भी एक फैक्ट है बिकॉज समवेयर अराउंड और एवरीवन हैज सम रिस्पेक्ट टुवर्ड्स यू, जो मतलब आपका एक गेस्टर है वो इट्स अ काइंड ऑफ गेस्ट. तो ये बताइए अगर आप होस्ट से गेस्ट बन जाए तो क्या चाहते हो, कौन सामने हो जो आपसे सवाल जवाब करे, जो आपसे ये पिंच के बारे में पूछे? अच्छा ये अभी बहुत पाजी बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछा आपने, ये बहुत मेहनत की होगी, पूरी रात आप बैठे होगे इसके ऊपर. क्या क्या बोल रहा है इसके बाद ये कौन है? अरे बाप रे, अरे खाना वाना खाते यार, लंच टाइम हो गया. पाजी आपका सवाल का जवाब देना है मेरे को, बट आपने क्या इतना टाइम लिया सोचने के लिए, तो मेरे को भी तो थोड़ा टाइम दो, कल बताओ चलेगा. सही सही, हाँ बोलिए 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 बोलिए. हाँ